my dear students and all my dear viewers you all are welcome to mithrasar classes of english this is the class of icse study and a horse and two goats this is the last part of horse and two goats before this we have already made five videos on this chapter this is the sixth one because it is a very long chapter and i have divided it into several parts because students have to

इस स्टैचू का दाम पूछ रहा है ये और इसका दाम वो अपने मन से कहता है हंड्रेड तो इस सवाल के जवाब उसके बाद बहुत सारा सवाल करता है जब हंड्रेड बच्चे हैं तो कितने लड़के हैं कितने लड़कियाँ हैं किसकी शादी हुई है कितने की शादी नहीं हुई है तो ये सारे सवाल इसके जवाब में अब ये अमेरिकन क्या समझता है इन आंसर टू दीज क्वेश्चन द रेड मैन डेस्ट इज हैंड इन टू इज पॉकेट एंड ब्रॉड फ्रॉथ इज वेरी इन ऑर्डर टू टेक इमीडिएट एडवांटेज ऑफ द बियरिस्ट ट्रेंड इन द मार्केट ये समझता है कि इसी मौके का फायदा उठाया जाए कि जब ये कह दिया हंड्रेड बोल दिया है और शायद ये मान गया है तो वो अपने वैलेट के लिए अपने हाथ को पीछे करता है और पीछे करके वहाँ से अपने वैलेट से कुछ निकालता है क्या निकालता है ये फ्लिस्ट हंड्रेड रुपी करेंसी नोट उसके सामने सौ रुपये का करेंसी नोट वो उसके सामने रख देता है और कहता है वेल दिस इज़ वाट आई मिंट मेरे कहने का मतलब ये है हंड्रेड जो मैंने कहा है ये दिस इज हंड्रेड अब मुनि को क्या लगता है द ओल्ड मैन और रियलाइज दैट सम फाइनेंशियल एलिमेंट वॉज इंटरिंग देयर टॉक अब वो समझता है कि शायद हमारे बीच में कुछ फाइनेंशियल लेन देन का बात चल रहा है कुछ रुपये पैसे की बात हो रही है अब उसको समझ में आता है तो ये पियर्ड क्लोजली एट द करेंसी नोट वो आंखें फार फॉर कर वो सौ रुपया के करेंसी नोट की तरफ बहुत गौर से देखता है द लाइक ऑफ विच नेवर सीन इन लाइफ वो ऐसे देखता है जैसे कि जिंदगी में उसने कभी सौ रुपए का नोट न नो देखा हो हे न्यू द फाइव हाँ और ये सच भी है वो पाँच रुपए के नोट को देखा था दस रुपए के नोट को देखा था उसके कलर को पहचानता था और दर वे जो अदर पीपल्स एन और ये भी उसने दूसरे के हाथ में ही देखा था इसने अपने हाथ में कभी पाँच या दस का भी नोट महसूस नहीं किया वेल इज ओन अर्निंग एट एनी टाइम वॉज एन इन कॉपर्स एंड निकल्स क्योंकि इसकी जो अर्निंग होती थी वो कॉपर्स में निकल्स में होती थी यानी खुजरे पैसों में होती थी वट वज दिस मैन प्लर्सिंग द नोट फॉर तो ये आदमी अब सवाल उठता है मुनि के दिमाग में कि आखिर ये आदमी ये सौ रुपये का नोट क्यों मेरे सामने ऐसे ऐसे यानि लहरा रहा है सो so, समझ गया शायद ये आदमी मुझसे चेंज मांग रहा है ही लाफ टू हिमसेल्फ एट द नोशन ऑफ एनी वन कमिंग टू हिम फॉर चेंजिंग ए थाउजेंड फॉर टेन थाउजेंड रुपी नोट आखिर कोई तो हुआ हंसने लगता है आखिर कोई भी व्यक्ति ऐसा तो हुआ कि जिसके दिमाग में यह आया कि मुझसे वो सौ रुपया का हजार रुपये का छुट्टा मांगता हो मुझको इस लायक तो समझा ना कम से कम तो ये कहता है तो ग्रीन लेकिन खुद छुट्टा तो इसके पास था नहीं इसीलिए ये गुनगुनाते हुए कहता है आज कावर विलेज हेडमैन अगर तुमको इसका छुट्टा चाहिए तो गांव का जो मुखिया है तुम तो उसके पास जाओ जो एक मनी लेंडर है वो क्या करता है वो लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देता है ही कैन चेंज इवेन इट लाख ऑफ रुपीज़ इन गोल्ड सेवन ईयर्स और वो लाख रुपये का चेंज भी गोल्ड में कर देगा इफ़ यू प्रेफर इट दैट भी अगर तुम चाहोगे तो गोल्ड में भी एक्सचेंज कर सकता है वो वो इतना पैसा वाला आदमी है गाँव का जो मुखिया है ही थिंक्स लेकिन वो बहुत चालू है बहुत समझदार है वो कत, सोचता है कि वो इतना पैसा वाला है ये बात कोई नहीं जानता और अपने पैसे को छिपाने के लिए उसने क्या रखा है डेग द फ्लोर ऑफ हिज पूजा रूम अपने पूजा घर के नीचे पूजा घर को खोद कर जमीन के नीचे उसने पैसा छिपा कर रखा हुआ है शेड और इतना पैसा जमा है कि एक बार अगर तुम देख लोगे ना तो तुम्हारा माथा घूम जाएगा द मैंट इज गज सेल्फ इन रैग्स लेकिन ये आदमी कि मेरे पास पैसा नहीं है ऐसा दिखाने के लिए वो क्या करता है फटे चिटे कपड़े पहनता है जिससे कि पब्लिक मिसलीड हो लोगों को ऐसा न लगे कि इसके पास पैसा है सो टॉक टू द मैम इसलिए अगर तुमको छुट्टा चाहिए सौ रुपये का तो जाओ मुखिया से अगर कहो तुम खुद जाओ बिकॉज ही गोज़ मैड एट द साइट ऑफ मी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझको देख कर वो पागल हो जाता है शमन टू द हिज पम्पकिस विद द क्रीपर एक बार किसी ने उसके बागान से क्रीपर से यानी लताओं से पम्पकिन जो था उसका कद्दू तोड़ लिया एंड फॉर सम रीजन थिंक्स और वो समझ रहा है कि वो मैंने किया है फॉर सम रीजन थिंक इट वॉज़ मी को मैंने तोड़ा है और साथ में मेरी बकरियों के बारे में उसको काफ़ी शिकायत रहती है दैर फे नेवर लेट माई गोड्स बी सीन एनी वेयर नियर द फार्म्स इसीलिए मैं कहीं भी अपने बकरियों को खुला नहीं छोड़ता जिससे कि उसके फार्म्स में चला जाए हिज आईज़ ट्रेवल टू हिज गोड्स नोजिंग अबाउट अटेम्प्टिंग टू रेस्ट न्यूट्रिशन From minute ग्रीनरी पीपिंग आउट ऑफ रॉक एंड ड्राई अर्थ सो उसकी आँखें कहते कहते बकरी की तरफ चली जाती है अब बकरी को देखता है वहाँ पर कि बकरी जो है वो न्यूट्रीस ग्रास जो वहाँ पर खा रहा है फॉरनर फॉलोज लोग तो वो जब मुनि कहते कहते कि मेरी बकरियों के बारे में तो बकरी की तरफ नजर गया तो मुनि के साथ साथ फॉरनर भी उस बकरी की तरफ देखने लगा एंड डिसाइडेड दैट इट would ए साउंड पॉलिसी टू शो इन इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैन पेट और सोचने लगा कि ये एक अच्छी पॉलिसी होगी कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको दिखाता हूँ मुझे पेट से बहुत प्यार है मैंने अपने प्यार को पेट के प्रति अपने प्यार को दिखाने के लिए के बारे में सोचता है इसलिए वो सीधा चला जाता है उन बकरियों के पास जहाँ वो बकरियाँ रोड साइड में चल रही है एंड स्ट्रोक देयर बैक्स और उसके पीठ को सहलाती है सहलाता है वरी शो ऑफ कोर्ट इस और बड़े ध्यान से एकदम कटसी के साथ विनम्रता के साथ वो क्या करता है तो उस बकरियों को बड़ा प्यार करता है नो द ट्रूथ डोंट ऑन द ओल्ड मैन अब वो क्यों ऐसा किया वो दिखाना चाहता है मुनि को कि उसे पेट से बड़ा प्यार है और घोड़ा जो ले जाएगा उसको भी बहुत प्यार से रखेगा मुनि इसके बारे में कुछ और ही समझ लेता है वो क्या सोच रहा है नॉ द ट्रूथ डोंट ऑन द ओल्ड मैन वो सच्चाई समझता है क्या समझता है इज ड्रीम ऑफ ए लाइफ टाइम वॉज अबाउट टू बी रिलैक्स लगता है उसके जिंदगी भर का जो सपना है वो पूरा होने वाला है ये अंडरस्टूड दैट द रेड मैन वॉज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर फॉर द गोड्स ये जो रेड मैन है ये जो ऑफर दे रहा है मुझे सौ रुपया जो दे रहा है वो बकरी के लिए दे रहा है समझ गया मैं ये रियड देम अप इन द होप ऑफ सेलिंग देम शमडे आखिर मैंने इस बकरियों को पाला है पोसा है बड़ा किया है आखिर इसी उम्मीद में किया है ना कि एक दिन ये मुझे अच्छा खासा पैसा देगा जब मैं इसको सेल करूँगा कैपिटल ओपनिंग ए स्मॉल शॉप और तब जो पैसा होगा उससे मैं छोटा सा दुकान खोलूँगा कहाँ पर तो स्मॉल शॉप ऑन दिस वेरी स्पॉट इसी जगह पर इसी जगह पर मैं एक छोटा सा दुकान खोलूंगा यहीं पर मैं बैठूंगा वॉचिंग द हिल्स यहाँ से मैं हिल्स को वॉच करूंगा एंड यू हैड बीन नाउ नाव वुड पुट अप ए अपड रूफ एयर और साथ में उसका सपना ये भी है ऊपर से खर पतवार का एक सेट भी उसके ऊपर डाल देगा स्प्रेड एस्पिल गनी सैक आउट ऑफ द ऑन द ग्राउंड और इसके अलावा जो बोरा होता है उसको भी उसके ऊपर से डाल देगा एंड डिस्प्ले ऑन इट फ्राइड नट्स और उसके ऊपर फ्राइड नट्स वगैरह रखेगा कलर यहाँ पर डिस्प्ले में लोगों को बेचने के लिए वो कई आइटम्स रखने के प्रोग्राम प्रोग्राम बना रहा है जैसे फ्राइड नट्स होगा कलर्ड स्वीट्स होगा ग्रीन कोकोनेट होगा प्यासे लोगों के लिए और जो खास तौर पर दूर दूर से लोग आते हैं तो उन सब के लिए सामान मैं यहाँ पर रखूँगा लोग खरीदेंगे और इस तरह से मेरा पैसा बढ़ेगा तो इस बार समटाइम्स वेरी ब्यूजी द एनिमल्स वेर नॉट प्राइज वंस फॉर ए कैटल शो और इस एनिमल का क्या है इसके लिए कोई कैटल शो में तो प्राइज लेने की बात रही बट ही हैड स्पेंट इज ओकेजनल सेविंग्स इट प्रोवाइड देम सम फैंसी डाइट नाउ एंड देन अक्सर इसको खिलाने के लिए कुछ पैसा ही खर्च हो जाता है मेरा एंड दे डिड नॉट लुक टू बैड और देखने में ये जो बकरियां हैं वो भी तो अट्ठा हट्ठा कट्ठा ही हैं अगर कोई कमज़ोर तो है नहीं सो ही वॉज रिफ्लेक्टिंग दस द रेड मैन शो कि सेट जब ये इतनी बातें सोच रहा था तो रेड मैन जो था वो तो अपना माथा हिलाया एंड लेफ्ट वन इज पाम वन हंड्रेड रुपी इन टेंस नाउ और क्या किया तो दस रुपया में यानी एक सौ रुपये का दस रुपये का नोट दस्ट हो उसके हाथ में रख दिया सर इस बात को रियलाइज़ करके कि वाट वॉज द ओल्ड मैन वास किंग कि ये आदमी हमको सौ रुपया में नहीं बल्कि खुजरा मांग रहा था ये समझा अमेरिकन ने और उसके हथेली पर सौ रुपये का छुट्टा यानी दस रुपये का दस नोट उसके ऊपर हाथ पर रख दिया इट इज़ ऑल फॉर यू और यू मे शेयर इट फ़ यू हैव ए पार्टनर बस इससे ज़्यादा मैं ऑर्डर नहीं दे पाऊंगा अगर तुम्हारा कोई और भी पार्टनर हो तो इसमें से तुम उसको बांट लेना या तुम अकेले हो तो पूरा तुम्हारा है द ओल्ड मैन पॉइंटेड द स्टेशन वैगन अब ओल्ड मैन जो था वो स्टेशन वैगन की तरह पॉइंट की ओर पूछा आर यू कैरिंग दम ऑफ इन दैट क्या तुम इसी गाड़ी से इसको ले जाओगे मुनि पूछ रहा है बकरी के बारे में बकरी को ले जाओगे वो समझ रहा है कि ये घोड़ा के बारे में पूछ रहा है ऑफ कोर्स कहता हाँ मैं इसी गाड़ी से ले जाऊंगा सी इट इधर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट वो समझ गया कि उस ट्रांसपोर्ट का मामला है इसलिए कहा गया यस यस मैं इसी गाड़ी से ले जाऊंगा द ओल्ड मैन साइट अभी ये बूढ़ा आदमी कहता है दिस विल बी देर फर्स्ट राइड इन ए मोटर कार मोटर कार में ये इसकी पहली यात्रा होगी ये पहला मौका होगा जो मोटर कार से जाएगा कह दम ऑफ ऑफ्ट गेट आउट ऑफ साइट लेकिन हाँ याद रहे कि इसको तुम गाड़ी में तब डालना जब मैं यहाँ से आउट ऑफ साइट हो जाऊँ अदरवाइज दे विल नेवर फॉलो यू नहीं तो क्या होगा ये तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जाएगा बट ओनली मी बल्कि मेरे पीछे पीछे आएगा इफ़ आई एम ट्रेवलिंग ऑन टू द पाथ ऑफ यमलोक का चाहे मैं यमलोक के रास्ते पर ही क्यों ना जाऊँ ये मेरे पीछे पीछे ही आ जाएगा इसलिए जब मैं यहाँ से उछल हो जाऊँ तब इसको पकड़ कर गाड़ी में रखना और कहकर हंसने लगा अपने ही जो ब्रॉड इज पाम्स टुगेदर इन ने सैल्यूट उसको सैल्यूट किया और पीछे मुड़ा और वहाँ से चल दिया एंड वोन आउट ऑफ साइट फिर आउट ऑफ साइट हो गया और वहाँ से जो थिकेट था जो झाड़ियाँ थी उससे वो वहाँ से ओझल हो गया रेड मैन जो था वो बकरियों की तरफ देखा बकरियाँ एकदम शांति से आराम से चल रही थी फर्स्ट ऑन द पेरेस्टल ऑफ द हॉर्स फिर उसने घोड़े को देखा एज द वेस्टर्लीज सन टस्ट ऑफ द एंशियंट फेवरेट कलर्स और सूरज जो था वेस्ट डायरेक्शन में अब डूबने ही वाला था सूरज डूब ही रहा है उसका कलर जो है फेड हो चुका है ऑफ द स्टैचू विथ ए फ्रेश स्पलेंडर ही रिमिनेटेड ही मस्ट बी गॉन टू फेस सम हेल्प शायद ये आदमी गाँव गया है और गाँव से वहाँ से वो कुछ लोगों को लेकर आने वाला है इसीलिए वो गया है यस वेन आई ट्रक सपोज आई सेटल डाउन द वेन आओ वहाँ बैठ गया इंतजार करने लगा कि ये मुनि कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आएगा वेन ये ट्रक केम डाउन हेल ये स्टॉप लेकिन जब काफ़ी देर तक मुनि वापस नहीं आया तो तब तक उस रास्ते से एक ट्रक गुजर रहा था उसने उस ट्रक को रोका एंड गॉड द हेल्प ऑफ ए कपल ऑफ मैन उस पर कुछ मजदूर सवार थे उससे उसने मदद ली और घोड़े को डिटैच किया पेरिस्टल से और डिटैच करके उसने उसे स्टेशन वैगन में उन लोगों की मदद से रख दिया ये गे एकदम फाइव रुपीज इच जितने भी लोगों ने उसकी मदद की सबको पाँच पाँच रुपया दिया एंड फॉर ए फारदर पेमेंट दिस दे ऑफ गैस फ्रॉम द ट्रक इसके अलावा ट्रक से उसने गैस भी निकाला ट्रक से गैस भी अपनी गाड़ी में भरवाया उसका भी पैसा दिया एंड हेल्प डिम टू स्टार्ट हिज इंजन उन लोगों ने इसके इंजन स्टार्ट करने में भी उसकी मदद की अगर मुनिक पर आते हैं मुनिक क्या क्या मुनि जल्दी जल्दी क्योंकि मुनि को तो सौ रुपया मिल गया था जो आज तक उसने कभी सोचा नहीं था मुड़ी मुनि जल्दी जल्दी वहाँ पर कैश को लेकर और एकदम कैश को क्या किया अपने धोती के एक पल्लू के खूंट से उसने बांध लिया और बांध करके वो यानी वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी वो अपने बकरियों को वहीं छोड़कर अपने घर आ गया ई द स्ट्रीट डोर हि द स्ट्रीट डोर एंड स्टोल अप शॉप टू इज वाइफ एज एस्वेटेड बिफोर टू लिट वंडरिंग इट बाई ए मेरेकल स्टूड अपॉन ड्रॉप ऑन ड्रॉप फ्रॉम द स्काई अचानक घर का के अंदर घुसा दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया यहाँ पर उसकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी तो इसकी वाइफ वहाँ पर चूल्हा जला रही थी इसके लिए खाना बनाने के लिए मोन डिस्प्लेड इज फॉर्चून फॉर द डे अपने वाइफ को उसने क्या किया आज भर दिन की जो कमाई थी उसने अपने वाइफ को दिखाया जैसे ही मुनि को दिखाया मुनि मुनि ने अपने वाइफ को दिखाया उस लेडी ने क्या किया सी द नोट उसने नोट को झपट लिया उसके हाथों से एंड काउंटेड देम और उसको गिनने लगा आग आग जो जल रही थी उसके लाइट में उसको गिनने लगी वो एंड क्राइड और फिर वो जोर से चिलाई अरे वन हंड्रेड रुपी सौ रुपया हाउ डिड यू कम बाइट कहां से लाए हुए सौ हैव यू बीन स्टीलिंग क्या तुमने कहीं चोरी की है तब मुनि कहता है आई हैोल्ड आवर गोड्स टू ए रेड फेस्ट मैन मैंने अपने बकरियों को एक रेड फेस्ट अमेरिकन के हाथ से बेच दिया ये बात एब्सलिटली क्रेजी पागल था वो आदमी जो एक बकरी के लिए मुझे इतन, दो बकरियों के लिए मुझे इतना पैसा दिया ये बाउल इज मनी ये सारा पैसा मुझे उसी ने दिया है एंड देम ऑफ ऑफिस मोटर कार और दोनों बकरियों को लेकर वो कहाँ चला गया तो वो गाड़ी में लेकर चला गया हार्डली एट दीज वर्ड्स लेफ्ट इज लिप्स वेन दे हार्ट ब्रीडिंग जैसे वो अपने वाइफ को कहा कि वो बकरियों को लेकर गाड़ी में चला गया उसी वक्त दोनों बकरी जो वहाँ पर खड़ी थी सामने में उसने आवाज़ की ब्लीटिंग की लेडी जो थी दरवाज़ा खोली और देखी करे दोनों बकरी यहाँ है दरवाजे पर है तो फिर ये किस बकरी को बेचने की बात कर रहा है इसका मतलब झूठ बोल रहा है ये अपने हस्बैंड से क्या ना मुनि से कहता है अरे बकरियाँ तो यहाँ पर है वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस बताओ क्या बात है तुम क्या करके आए हो ये पैसा कहाँ से लाए हो ये मटर द ग्रेट करस एंड सिस्ड वन ऑफ द गॉड्स बाई इज ईयर्स अब ये बेचारा मुनी मुनि तो एक्चुअली बकरी को बेच के ही आया था सो so, वो जाता है और एक बकरी को पकड़ कर उसके कान में कुछ कहता है कान में क्या कहता है बकरी के कान में वेर इज दैट मैन कहाँ है वो आदमी जिसके आते मैंने तुमको बेचा था डोंट यू नो यू आर हिज क्या तुम नहीं जानते कि अब तुम उसके हो गए हो मैंने तुम्हें बेच दिया है वाई डिड यू कम बैक तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए द गॉड रिगल्ड एट इज ग्रेप गॉड जो जो बकरियाँ थी वो बस सिर्फ उसकी बाहों में होने की वजह से खुशी महसूस कर रही है फिर वो यही सवाल उसने दूसरे बकरी से भी किया द गॉड सुक ऑफ इट सेल्फ ऑफ और ये दूसरा बकरी जो था उसने मुनि से छुड़ा करके अपने आप को वहाँ से भाग गया हिज वाइफ ग्लेयर डेट हिम इसकी वाइफ आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देख रही है और डिक्लेयर करती है और जोर से कहती है इसको क्या कहती है इफ़ यू हैव थिप्ड अगर तुमने चोरी की है पुलिस विल कम तो पुलिस आएगी आज की रात ही आएगी ब्रेक योर बोन्स और मारते मारते तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा तोड़ देगी पुलिस डोंट इन्वॉल्व मी वो छोड़िए मुझे इन्वॉल्व मत करना आई विल गो अवे इन माई टू माई पेरेंट्स मैं अपने पेरेंट्स के पास वाक कर चली जाऊँगी और यहीं पर इस स्टोरी अंत हो जाता है इस तरह से हमने इस स्टोरी में देखा काफ़ी लंबा स्टोरी था सिक्स वीडियोज़ है इसका इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह से दो अलग अलग कल्चर के लोग दो अलग अलग भाषा के लोग जो बात करते हैं तो कितना उनके बीच में डिफ्रेंसेज होता है समझने में तो किसी भी हालत में लेकिन लोगों ने अपने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा और इस तरह से अपने कल्चर अपने लैंग्वेज के प्रति लोगों ने अपनी श्रद्धा बनाई रखी तो हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू